सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। जैसा कि आप सभी की इच्छा थी कि संतान प्राप्ति के वे सभी उपाय जो श्रावण में आप कर सकते हैं उनको एक ही वीडियो में डाला जाए, तो वो उपाय जो केवल श्रावण में किए जा सकते हैं वही मैं आपके सम्मुख में लेके आया हूँ। सबसे पहले नंबर पर जो उपाय है, सबसे पहला जो उपाय है वो है कामदा एकादशी का उपाय। कामदा एकादशी या पुत्रदा एकादशी केवल दो ही आती है। एक आती है माघ के महीने में, यानी जनवरी के महीने में आती है, जनवरी के महीने में, और एक आती है सावन के महीने में। सावन का महीना जो अधिक मास वाला महीना आएगा उस महीने में ये कामदा एकादशी पुत्रदा एकादशी आएगी। इस पुत्रदा एकादशी के दिन आपको संतान प्राप्ति का उपाय करना है। पुत्रदा एकादशी है तो पुत्र देने वाली है, जिनको पुत्र की कामना हो वह भी ये उपाय अवश्य करें, यानी कि उनको संतान हो रही है फिर भी एक बार पुत्र के लिए इस पुत्रदा एकादशी के दिन उपाय अवश्य करें। तो आपको उस दिन क्या करना होगा, दो कटोरियां लेनी है, एक कटोरी में आपको खीर भरनी है और एक कटोरी में आपको घी डालना है। यदि गाय का घी हो आपके पास में तो घी डाल लीजिए गाय का, यदि गाय का घी नहीं हो तो जो आप घर में इस्तेमाल घी करते हैं वही घी इन दोनों कटोरियों में डालना है। साथ में एक दीप लेना है मिट्टी का, लंबी बाती का, उस दीप में आपको घी डाल लेना है और लेने हैं दो बेलपत्र। अब आपको पुत्रदा एकादशी के दिन प्रदोष काल में शिव मंदिर जाना है। प्रदोष काल वही जब सूर्य अस्त होता है, तो सूर्य अस्त होने के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय है वो प्रदोष काल कहलाता है। उस प्रदोष काल में आपको शिव मंदिर जाना है। शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले तो जो दोनों कटोरियां आप आपके साथ लेके गए हैं उन दोनों कटोरियों को पुत्र की कामना करते हुए, संतान की कामना करते हुए भगवान शंकर के सम्मुख में रख देनी है। दोनों कटोरियां शंकर जी के सम्मुख में रखनी है। उसके बाद में जो दो बेलपत्र लेके गए हैं वो दोनों बेलपत्र शंकर जी पर समर्पित करने हैं, चढ़ा देने हैं। बेलपत्र चढ़ाते समय बेलपत्र की डंडियां आपके विपरीत में रखें। उसके बाद जो आप एक दीप लेके गए हैं उस दीप को भगवान शंकर की चौखट पर प्रज्वलित कर दीजिए। ये जो भगवान शंकर की चौखट है इस पर वो दीपक प्रज्वलित कर दीजिए, पुत्र की कामना करते हुए, संतान की कामना करते हुए। उसके बाद में आपको क्या करना है, जो दो बेलपत्र चढ़ाए हैं वो दोनों बेलपत्र उठा लीजिए। उठाने के बाद में ये जो शिव मंदिर की चौखट है इस चौखट पर एक आसन बिछाकर उस पर वो महिला बैठे, बैठकर बाबा से कामना करें संतान प्राप्ति की, पुत्र प्राप्ति की। और उसके बाद में जो दो बेलपत्र है उसमें से एक बेलपत्र को चबा चबा कर धीरे धीरे खा लें, और जो एक बेलपत्र है उस एक बेलपत्र को अपने घर लेकर जाएं और अपने पति को उस बेलपत्र को खिला दीजिए। निश्चित रूप से आपको संतान की प्राप्ति अवश्य होगी, पर यह उपाय करना है आपको पुत्रदा एकादशी के दिन, जिसको आने में भी समय है, पर किया जाएगा ये सावन में उपाय। अब चलते हैं दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला सबसे सुप्रसिद्ध उपाय। इस उपाय में आपको क्या करना है, पति और पत्नी दोनों को सफ़ेद आंकड़े की जड़ को लेकर आना है। सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आइए। यदि किसी कारणवश पत्नी ना जा सके तो पति अकेला जाए, पर जब पत्नी जा नहीं सकती और पति आने वाला हो घर से थोड़ी दूर पहले ही पत्नी उनके साथ हो जाए और फिर उनके साथ घर आ जाए। जैसे कि मान लीजिए आपके पति अकेले लेने गए हैं सफ़ेद आंकड़े की जड़, ये आपका घर है और आपके घर से थोड़ी दूर पर आपको आपके पति ने आपको फ़ोन कर दिया कि मैं घर आ रहा हूँ, तो इतनी सी दूरी पर आप घर से निकल के उनके साथ हो जाए और दोनों घर में एक साथ प्रवेश करें ताकि जड़ एक साथ आपके घर पर आ जाए। आप दोनों एक साथ लेकर आए, ये भाव भी उसमें सम्मिलित हो जाए। फिर उस जड़ को धोकर रख लीजिए। जड़ आप जब आपका पीरियड आ जाए उसके पहले भी ला सकते हैं और पीरियड के समय पर भी ला सकते हैं, तीसरे चौथे दिन ला सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है, शिव मंदिर में जाना है। शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर के सम्मुख में, पीरियड के सातवें दिन जाना है शिव मंदिर, और भगवान शंकर के सम्मुख में जाकर उस जड़ को भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर से धीरे 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 घुमाना है। कुल 21 बार उस जड़ को घुमाना है। 21 बार घुमाते समय तुमरुका जी का नाम अवश्य ही लीजिए। तुमरुका जी जिनका घोड़े का मुख लगा हुआ है, उन तुमरुका जी का तुमरुकेश्वर महादेव, ये वही तुमरुका जी है जो कि शिव महापुराण की कथा वास्ते है। तुमरुका जी का नाम लीजिए 21 बार।
और फिर झोली पसार कर प्रणाम कीजिए। पति और पत्नी दोनों गए हैं तो दोनों अपना नाम बोलिए, अपनी मनोकामना जो कि पुत्र प्राप्ति संतान प्राप्ति के उसको बोलिए। यदि पत्नी अकेली गई है तो वह दोनों का नाम लें, पति का भी और पत्नी का भी, दोनों का नाम लेना है। झोली पसार कर प्रणाम करने के बाद में उस जड़ को लाल कपड़े में लपेट लीजिए। लाल कपड़े में लपेटने के बाद भगवान शंकर के सम्मुख में खड़े होकर लाल धागे में ही उस जड़ को आपकी कमर पर बांध लीजिए। उसके बाद में आपको एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन एक महीने तक भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन समर्पित करना है। एक पीपल का पत्ता प्रतिदिन तोड़ना है, बस रविवार के दिन पीपल का पत्ता मत तोड़ना, शनिवार के दिन दो पत्ते तोड़ लेना ताकि अगला पत्ता जो एक एक्स्ट्रा पत्ता होगा वो आप संडे के दिन इस्तेमाल कर सकें। जब पीपल के पत्ते को छड़ा दें, 5 मिनट वहीं रहने दें उस पत्ते को, और उसके बाद में पत्ते को उठाकर लाएं, गाय के दूध में उबाल लीजिए। थोड़ा सा दूध लेना है आपको, और शाम के रात के समय जब पति और पत्नी सोए तो सोते समय उस दूध को आपको पीना है। पहले पीपल के पत्ते को निकाल के रख दीजिए किसी भी आसपास वृक्ष के नीचे, यदि वृक्ष ना हो तो घर में ही रख दीजिए, उसके बाद अगले दिन किसी वृक्ष के नीचे रख दीजिए। पति और पत्नी दोनों को पीना है दूध। दूध पीते समय आपको तुम रूपा जी का नाम फिर से स्मरण करना है और वो दूध पीकर सो जाइए। ये पीपल के पत्ते वाला उपाय एक महीने तक जरूर कीजिए। जब गर्भवती हो जाए आप तो तो जो सफ़ेद आंकड़े की जड़ है उसको 3 महीने तक अपनी कमर पर बांध के रखिए और फिर किसी भी वृक्ष के नीचे खोल कर रख दीजिए। तो इस प्रकार ये उपाय आप अवश्य कीजिए। इसके साथ में आप एक उपाय और कर सकते हैं, जैसे कि सफ़ेद आंकड़े की जड़ से पहले जो तीसरा उपाय है वो है पशुपतिनाथ का व्रत, जो कि हर महिला ने किया है उपाय, और पशुपति व्रत करने से उनको संतान की प्राप्ति हुई। किसी को पहले व्रत में हो गई, किसी को चौथे व्रत में हुई जब उन्होंने चौथी बार व्रत किया। तो जब आप ये पशुपति व्रत कर रहे हो, पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है, किसी भी सोमवार से आप ये व्रत शुरू कर सकते हैं। पर सावन सोमवार यदि आप कर रहे हैं तो सावन में आप ये व्रत नहीं कर सकते। यदि आप सावन सोमवार करते हुए आ रहे हैं पिछले सालों से तो आप ये व्रत नहीं कर सकते। सावन खत्म होने के बाद आप ये व्रत कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पशुपति व्रत 5 सोमवार का व्रत होता है, जिस दिन आप व्रत करने जाएं, व्रत का संकल्प भी आप ले सकते हैं। व्रत का संकल्प कैसे ले, जहाँ पे आपके पितरों का स्थान, घर में आप पानी भर के रखते हैं वहाँ पर अपने पितरों से प्रार्थना कीजिए खड़े होकर, हाथ जोड़कर कि मैं ये संकल्प ले रही हूँ व्रत करने का, मुझे संतान का सुख दीजिए, हे हमारे घर के पूर्वज मुझे संतान की प्राप्ति कराइए। उसके बाद में बस आपको इतना सा बोलना है और फिर आप शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर सुबह पूजन अर्चना कीजिए, जैसे आप करते हैं जो थाली लेके गए हैं उस थाली को घर पे लाकर रख दीजिए। शाम के समय मीठे का भोजन बनाना है, या तो आटे के दीप ले लीजिए 6 या फिर मट्टी के दीप ले लीजिए 6। 6 दीप लेने हैं, उसमें फूल बत्ती यानी कि गोल वाली बत्ती आपको लगा लेनी है, और मीठे का प्रसाद बनाना है। मीठे का प्रसाद उतना ही बनाना है जितना प्रसाद आप शिव मंदिर में लेकर जाएं। यदि प्रसाद अतिरिक्त बच जाता है, कढ़ाई में थोड़ा सा बच जाता है, तो वो व्रत स्वीकार नहीं माना जाएगा। पूरा प्रसाद शिव मंदिर में लेके जाना है। कढ़ाई में प्रसाद बचता है तो उसके 2 भाग हो जाते हैं, फिर शंकर जी उस प्रसाद को स्वीकार नहीं करते, तो इतना प्रसाद बनाएं। पति और पत्नी दोनों भी पशुपति व्रत का संकल्प ले सकते हैं। जब दोनों संकल्प लेंगे तो पति की थाली अलग लगेगी, यानी पति अपनी थाली अलग लेकर जाएगा, स्त्री अपनी थाली अलग लेकर जाएगी। पति जो थाली लेकर जाएगा तो मीठे का भोजन उसके लिए अलग बनेगा और महिला के लिए अलग बनेगा। एक बार मीठे का भोजन बना के उसमें से 2 हिस्से नहीं करने हैं, दोनों को अलग अलग मीठे का भोजन बनाना है और फिर शिव मंदिर में जाना है। अब आपको शिव मंदिर में जाकर 6 दीप थाली से उतार लेने हैं। 6 के 6 दीप थाली से उतार लीजिए और जो मीठे का भोजन बना है वो शिवलिंग के सम्मुख में रखकर बाबा से प्रार्थना कीजिए संतान प्राप्ति की, और उसके 3 भाग कर दीजिए। 3 भाग करने के बाद में दीप प्रज्वलित कीजिए। पहला दीप प्रज्वलित करते समय आपकी मनोकामना बोलिए, साथ में प्रार्थना भी कीजिए, बाबा पशुपति व्रत कर रही हूँ संतान की प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ, मेरी ये मनोकामना है, इस मनोकामना को पूर्ण करना, यदि कोई त्रुटि गलती हो जाए बाबा तो उसको क्षमा कर देना। उसके बाद में आपको 5 दीप प्रज्वलित करने हैं, 6ठे दीप को जलाना नहीं है, प्रज्वलित नहीं करना, उसको वापस उठाकर थाली में रखना है। और ये जो 3 भाग आपने किए हैं इन 3 भाग में से 1 भाग आपको आपकी थाली में रख लेना है। अब घर में प्रवेश करने से पहले जो आपका मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के
सीधे हाथ, यानी कि जब आप घर में प्रवेश करते हैं तो घर में प्रवेश करते समय जो आपका सीधा हाथ पड़ता है, राइट हैंड पड़ता है, उस सीधे हाथ पर आपको छठा दीप रखना है और छठे दीप को प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते समय आपकी मनोकामना बोलनी है। इस प्रकार आपको एक बात और, जब पति और पत्नी दोनों व्रत कर रहे हों तो पहले पत्नी दीप जलाए छठा घर में प्रवेश करने से पहले, उसके बाद में पति वो दीप जलाए, दोनों अपना अपना दीप जलाएं छठवें नंबर का, पहले पत्नी को जलाना है फिर पति को जलाना है। दीप जलाते समय आपकी मनोकामना बोलनी है। इस प्रकार ये 5 व्रत आपको करने हैं। व्रत करते समय एक टाइम फलाहार करें और एक टाइम भोजन करें। भोजन कौन सा? जो आपके घर पर बन रहा है शाम के समय पे भोजन, वो भोजन कीजिए। ऐसा कोई मीठे भोजन का विशेष काम नहीं है कि बोले इसमें मीठा भोजन ही करना है। जब भोजन करने बैठे तो आपको जो आप प्रसाद लेकर आए हैं उसी प्रसाद को खाना है। पशुपति व्रत में प्रसाद किसी और को नहीं दिया जाता, जिनका व्रत होता है केवल वही प्रसाद खाते हैं। जैसे पति पत्नी दोनों का व्रत है तो जो दोनों अलग अलग प्रसाद लेकर आए हैं मंदिर से वो अपना अपना प्रसाद खाएंगे। यदि केवल महिला अकेले व्रत कर रही है और कोई छोटा बच्चा या फिर कोई भी उनसे प्रसाद मांगे तो आपको वो प्रसाद उनको देना नहीं है, प्यार से समझा देना है इस व्रत का प्रसाद नहीं दिया जाता। और फिर आप उस प्रसाद को खाइए पहले और फिर खाना खाइए। इस प्रकार 5 व्रत कीजिए। जिस व्रत में कोई आपका विशेष व्रत आ जाए, जैसे अष्टमी का आ जाए, कृष्ण अष्टमी आ जाए, या फिर कोई विशेष व्रत आ जाए जो कि साल में केवल एक या दो बार ही आता है, तो उस व्रत में आप उस वाले व्रत को कीजिए, पशुपति व्रत को मत कीजिए। अगले सोमवार को पशुपति व्रत को कर लीजिए। यदि महिलाओं के पीरियड आ जाए तो आप एक काम कर सकते हैं, फिर सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय उस पीरियड के समय पर कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये दो उपाय आपके एक साथ हो जाएंगे। उस दिन आपको, जिस दिन आपका पीरियड आए उस दिन आपको व्रत रखना है, मीठे का प्रसाद नहीं बनाना और 6 दीप भी नहीं जलाने, वो वाला व्रत काउंट नहीं होगा, गिना नहीं जाएगा। तो इस प्रकार ये व्रत करना है। 5वें व्रत में 108 वस्तु कोई सी भी समर्पित कीजिए, बेलपत्र हो, अक्षत हो, चने की दाल हो या फिर साबुत मूंग हो, जो भी आपके पास हो, 108 पुष्प हो, वो एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कीजिए। 108 वस्तु पर थोड़ा सा चंदन लगा के समर्पित कीजिए आपकी मनोकामना बोलते हुए। फिर एक नारियल, जो पानी वाला श्रीफल आता है, नारियल आता है, उस पर 7 बार मूली का धागा लपेट कर, उस मूली के धागों को लपेटने के बाद 11 रुपये उस नारियल पर रखकर भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श कराकर उस नारियल को वहीं शिवलिंग के सम्मुख में रख दीजिए। इस प्रकार आपके व्रत का उद्यापन हो जाता है। ये उद्यापन कब करना है? जब आप दीप प्रज्वलित कर ले और जो आपने प्रसाद बनाया उसके 3 हिस्से कर ले, उसके बाद करना। कहीं ऐसा नहीं पहले आप उद्यापन कर दें और दीप फिर जलाएं नहीं, तो फिर वो उद्यापन भी नहीं माना जाएगा और व्रत भी नहीं माने जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। इस प्रकार से व्रत करना है आपको। बाबा चाहेगा तो आपकी झोली अवश्य भरेगी और आपके संतान की कामना भी अवश्य पूर्ण होगी। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जो कि संतान प्राप्ति के लिए। किसी विशेष दिन आप ये उपाय अवश्य कीजिए। एक पानी वाला नारियल या श्रीफल वो लेना है और एक कपड़ा लेना है। कपड़ा कोई सा भी लीजिए, बस काले कलर का मत लीजिए। कपड़ा लीजिए, कपड़े की पट्टी जो चौड़ाई हो वो ज़्यादा से ज़्यादा केवल इतनी सी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो उसकी चौड़ाई, केवल इतनी ही चौड़ाई रखना कपड़े की। ज़्यादा चौड़ा कपड़ा ना हो, उसकी चौड़ाई ज़्यादा ना हो। अब इस कपड़े को आपको इस नारियल पर बीच में लपेटना है, श्रीफल पर। 7 बार आप इस कपड़े को लपेटिए। लपेटने के बाद में शिव मंदिर में जाइए। शिव मंदिर में जाकर बाबा के सम्मुख में उस नारियल को रखकर अपने हाथ में संतान प्राप्ति की कामना कर शिवलिंग को स्पर्श कराकर शिवलिंग के पास में ही उस नारियल को रख दीजिए जिस पर आपने कपड़ा लपेटना है। नारियल रखने के बाद आपका नाम और आपका गोत्र बोलिए। गोत्र आपको पता ना हो तो केवल नाम बोल दीजिए और साथ में पति का नाम बोल दीजिए। यदि कोई महिला शिव मंदिर नहीं जा सकती तो आप अपने पति को भेज कर भी ये उपाय करवा सकते हैं। घर पे ही नारियल पर कपड़ा लपेट लीजिए, अपने पति को बोल दीजिए आपका नाम, पति का नाम, अपना पत्नी का नाम और स्वयं का नाम बोल दे, साथ में गोत्र याद हो तो गोत्र भी बोल दे। शिवलिंग को स्पर्श कराकर शिवलिंग के सम्मुख में ही इस नारियल वाले कपड़े को रख दीजिए। ये भी संतान प्राप्ति का उपाय है जो गुरुजी ने अपनी बहुत पुरानी कथाओं में बताया था। अब चलते हैं संतान प्राप्ति के अगले उपाय की तरफ, जो कि है 5वें नंबर का उपाय। 5वें नंबर का जो उपाय है वो है सोमवार की अष्टमी का उपाय। सोमवार की जो अष्टमी पड़ रही है इस बार सावन में 10 जुलाई को पड़ रही है, सोमवार की अष्टमी के दिन। तो सबसे पहला जो उपाय है वो है पारिजात के पुष्प का उपाय।
पारिजात का जो पुष्प है वो कम से कम आपको 30 से 40 पुष्प लेने होंगे। इन 30 से 40 पुष्पों को लेकर उनकी पीछे की डंडी तोड़कर उनको सुखाना है। सुखाना आपको घर में है, धूप में नहीं सुखाना। सुखाने के बाद में उनको बारीक पीस लीजिए मिक्सी के अंदर। पीसने के बाद में एक पारिजात का पुष्प लेना है। उस पुष्प को आपको सोमवार की अष्टमी के दिन शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले भगवान शंकर में, जो शंकर के शिवलिंग में जो अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है, उस स्थान पर आपको समर्पित करना है। फूल समर्पित करते समय फूल की डंडी आपके विपरीत में रखनी है, यानी कि जैसे आप पारिजात का पुष्प समर्पित करेंगे तो अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करते समय मनोकामना बोलिए संतान प्राप्ति की, और डंडी भगवान शंकर की तरफ और फूल वाला भाग आपकी तरफ होना चाहिए। फिर इसी पुष्प को वापस उठा लीजिए। वापस उठाने के बाद में ये पुष्प आपको समर्पित करना है माता पार्वती के हस्त कमल पर। अब इस फूल को विपरीत कर दीजिए, यानी फूल वाला भाग भगवान शंकर की तरफ और डंडी वाला भाग आपकी तरफ कर लीजिए। अब संतान प्राप्ति की कामना फिर कीजिए, फिर से इस फूल को उठा लीजिए। अब ये फूल आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करते समय फिर वही डंडी विपरीत में होनी चाहिए और फूल वाला भाग है वो आपके सम्मुख में होना चाहिए। इस प्रकार एक ही फूल 3 जगह आपको समर्पित करना है, यानी कि इस स्थान पर और अशोक सुंदरी के स्थान पर। जो फूल समर्पित होगा उनकी डंडी और मुख एक ही दिशा में होंगे, और जो माता पार्वती के हस्तकमल पर फूल समर्पित होगा उसकी डंडी और मुख विपरीत होंगे। यानी कि एक ही फूल आपको 3 जगहों पर समर्पित करना, उठा उठा के 3 अलग अलग फूल मत समर्पित करना, आपका उपाय सफल नहीं हो पाएगा। अब आपको जो आपने पारिजात की डंडी को पीसा था सुखाकर, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाना है। पानी मिलाकर उसका चंदन जैसा लेप तैयार कीजिए। भगवान शंकर के शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण कीजिए। त्रिपुंड बनाइए, बाबा से प्रार्थना कीजिए। यदि चंदन ज़्यादा है तो माता पार्वती के हस्त कमल पर भी श्रृंगार कर दीजिए। और भी ज़्यादा बच जाता है सूखा चंदन तो प्रतिदिन भोलेनाथ का आप चंदन से अभिषेक कर सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं शिवलिंग पे। ये उपाय केवल और केवल सोमवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। अब चलते हैं सोमवार की अष्टमी के अगले उपाय की तरफ, जो कि है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे सुबह के समय खीर का भोजन बना लीजिए। खीर कोई सी भी हो, साबूदाने की खीर हो या फिर चावल की खीर हो, जो भी आपको खीर बनानी वो खीर बना लीजिए। उसके बाद में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल में उस खीर का थोड़ा सा भोग लगा दीजिए और एक लंबी बाती का दीप घी का प्रज्वलित कर दीजिए संतान की कामना करकर। अब एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आपको बुलाना है, साथ में उनके बच्चे को भी बुलाना है। ब्राह्मण ब्राह्मणी को दोनों को उनकी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को वृक्ष के नीचे बिठा देना है प्रदोष काल में ही, और ब्राह्मणी की गोद में उसके बच्चे को बिठा देना है। अब उनको खीर का भोजन कराना है तीनों को। जो बच्चा और ब्राह्मणी होगी वो दोनों एक ही पात्र में से खीर का भोजन करेंगे और ब्राह्मण अलग पात्र में से। ब्राह्मण तो अपनी पूरी खीर खा ले, पर जो ब्राह्मणी है वो अपनी झूठी खीर छोड़ दे थोड़ी सी। जब ये खीर का भोजन कर ले उसके बाद में जिस महिला के संतान नहीं हो रही वह महिला वही ब्राह्मणी की झूठी खीर उसी बेलपत्रे के वृक्ष के नीचे बैठकर खा ले, 2 या 3 महीने के अंदर अंदर उनका गर्भ ठहर जाएगा। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। अगला जो उपाय है वो है पूरे सावन का उपाय। पूरे सावन में आप बाबा का श्रृंगार कीजिए। बाबा का श्रृंगार करेंगे तो भोलेनाथ आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करेगा। इसमें आपको एक बेलपत्र की भी आवश्यकता होगी। बेलपत्र के लिए बेलपत्र जो होगा उसमें आपको जो बीज वाली पत्ती है, इस बीज वाली पत्ती पर आपको पीला चंदन लगाना है। पूरी पत्ती पर पीला चंदन लगा दीजिए, और ये जो नीचे वाली पत्ती है इस नीचे वाली पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगाना है। पूरी पत्तियों पर आपको लाल चंदन लगा देना है, और साथ में थोड़ा सा लाल चंदन का लेपन और लगाना है, यानी कि लाल चंदन में थोड़ा सा पानी मिलाकर और रख लीजिए। अब शिव जी के मंदिर में जाइए। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले एक कलश जल भगवान शंकर को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करने के बाद जो जल शिवलिंग से नीचे गिर रहा हो उसको आपके हाथ की अंजलि में लेकर उस जल को पी लीजिए। आपकी संतान प्राप्ति की कामना कर उसके बाद में आपको हाथ को धो लीजिए, यानी थोड़ा सा जल डाल लीजिए आपके हाथ पर। धोने के बाद में
फिर से एक कलश जल समर्पित कीजिए बाबा के शिवलिंग पर। अब आपको जल पीना नहीं है। जब आप दूसरा कलश जल समर्पित कर दें उसके बाद में जो आपने चंदन का लेपन बना रखा है उस लाल चंदन के लेपन पर लेपन का बाबा के शिवलिंग पर श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार की तरह बाबा के शिवलिंग पर उस लाल चंदन को लगाइए। बड़े ही प्यार से उस लाल चंदन को धीरे 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 लगाना प्रारंभ कीजिए। लगाते समय आपके मन में जो संतान प्राप्ति की कामना है उस कामना को अवश्य ही बोलिए। पूरे शिवलिंग पर लगा दीजिए। शिवलिंग पर लगाने के बाद में ये जो माता पार्वती का हस्त कमल है इस पर भी आप चंदन लगा दीजिए। इस पर लगाने के बाद पूरे शिवलिंग पर बाबा का श्रृंगार कीजिए अच्छे से। श्रृंगार करते समय बाबा को संतान प्राप्ति की कामना बोलिए। उसके बाद में जो आपने बेलपत्र था बीच वाली पत्ती पर लाल चंदन क्षमा कीजिए, बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन और ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन जो आपने लगा रखा था उस बेलपत्र को शिवलिंग पे समर्पित कीजिए। और शिवलिंग पे समर्पित करते समय बेलपत्र की डंडी आपके विपरीत में होनी चाहिए। उसके बाद में एक कलश जल और लीजिए और धीरे धीरे भोलेनाथ के शिवलिंग पर और वो बेलपत्र पर समर्पित कीजिए। समर्पित करते समय संतान प्राप्ति की कामना कीजिए। बाबा निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्त कराएगा, पर ये जो उपाय है आपको प्रतिदिन करना है। प्रतिदिन भोलेनाथ का श्रृंगार कीजिए, डेली शिव मंदिर जाइए। अभी सावन का पवित्र महीना भी चल रहा है, जितने दिन निकल गए हैं और निकल जाने दीजिए। 2 महीने हैं इस बार सावन के, एक अधिक मास का सावन है तो सावन के प्रत्येक दिन जाइए। यदि आपका फास्ट है व्रत है जिस दिन, तो आप एक काम कर सकते हैं, पहले तो शिव मंदिर चले जाइए, आपकी जो पूजा करते हैं व्रत वाली वो पूजा कर लीजिए। उसके बाद में एक बार और जाइए शिव मंदिर और बाबा का श्रृंगार करके आइए, यदि आप ये वाला उपाय कर रहे हैं तो। अब आप चलते हैं अगले उपाय की तरफ, पर अगले उपाय पे जाने से पहले एक जानकारी जो कि मैं देना चाहता हूँ। जितने भी उपाय इस वीडियो में बताए जा रहे हैं वो सारे के सारे उपाय आपको नहीं करने हैं। कोई से भी दो उपाय जो आप सोचते हैं कि मुझे एक साथ कर लेने चाहिए, या फिर एक उपाय जो आपको लगता है कि मुझे ये वाला उपाय कर लेना चाहिए, वही उपाय आपको करना है। ऐसे नहीं कि सारे के सारे उपाय करने लग जाओ फिर आप सोचो भगवान तो मेरी सुन ही नहीं रहा है। केवल और केवल आपको एक या दो उपाय करने हैं। दो उपाय भी एक साथ करने होंगे, ऐसे अलग अलग उपाय मत कीजिए। जैसे पशुपति व्रत और उसके अंदर ही सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय, और उसमें आप एक कलश जल समर्पित कीजिए। और एक कलश जल जब आप पूजन करने जाते हैं एक कलश जल समर्पित कीजिए, उस जल को पीजिए, एक बेलपत्र समर्पित कीजिए, उस बेलपत्र को खाइए। तो इस प्रकार ये उपाय आप कर सकते हैं। लेकिन आप काम पुत्रदा एकादशी का भी उपाय कर ले, पशुपति व्रत भी कर ले, सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला भी कर ले, प्रतिदिन भोलेनाथ का श्रृंगार भी करे, साथ में सोमवार की अष्टमी के उपाय भी करें, ऐसा ना करें। जिस उपाय या जो उपाय आपको उचित लग रहा है, सही लग रहा है और आप कर सकते हैं वो उपाय करें। एक बार करें, सफल ना हो दूसरी बार करें, सफल ना हो तीसरी बार करें, पर टिके रहें एक ही उपाय के ऊपर। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ। तो अगला जो उपाय है वो है तुलसी के क्यारे वाला। आपके घर में तुलसी का क्यारा अवश्य ही होगा। तुलसी का क्यारा जो कि चौकोर तुलसी का क्यारा है, यानी कि जो चौकोर गमला हो, यदि गोल गमले वाला तुलसी का क्यारा है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। षड आकृति वाला होगा उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। जो चौकोर तुलसी का क्यारा होता है उस तुलसी के क्यारे में श्रावण के पूरे महीने में आपको ये उपाय करना है। पहले तो सुबह सुबह थोड़ा सा जल डाल दीजिए तुलसी के क्यारे में। रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं डलता, तो रविवार का ध्यान रखना। और उसके बाद में और रविवार के दिन दीपक भी नहीं जलता। और शाम के समय प्रदोष काल में एक लंबी बाती का घी का दीप प्रज्वलित कीजिए क्यारे के जस्ट पास में। जब आप दीप प्रज्वलित करें तो इसको क्यारे के अंदर मत रख देना। क्यारे के अंदर रखोगे तुलसी माता को जलन महसूस होगी, ताप महसूस होगा, और वो आपको वो चीज़ प्रदान नहीं करेगी जिस मनोकामना से आप ये उपाय कर रहे होंगे। तो जो तुलसी का क्यारा हो उस क्यारे के बाहर आपको एक दीप प्रज्वलित करना है लंबी बाती का घी का। शाम के समय प्रदोष काल में ये दीप प्रज्वलित कीजिए और सुबह थोड़ा सा जल माता तुलसी के क्यारे में अवश्य डालिए। सावन के महीने में यदि आप ये उपाय करते हैं तो इससे भी संतान की प्राप्ति होगी। और बात वही
कि सारे उपाय एक साथ मत करना। यदि ये वाला नियम बना रहे हो आप, और प्रतिदिन जैसे दो नियम, एक तो तुलसी के क्यारे वाला और एक भोलेनाथ का श्रृंगार करने वाला उपाय, ये दो उपाय भी आप एक साथ कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले उपाय की तरफ, जो कि अभी अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी ने बताया था। वो जो उपाय है वो है पंचपात्र वाला उपाय। अब आपको पंचपात्र दिखाता हूँ। ये होते हैं पंचपात्र, अर्घा, तमड़ी, कलश, एक ये कटोरी सी और एक ये होती आचमनी। ये होते हैं कुल पंचपात्र। अब ये पंचपात्र सबके घर में तो होंगे नहीं, जिससे कि आप उपाय कर सके, तो आपको क्या करना है, एक तांबे का कलश ले लीजिए, एक स्टील का कलश ले लीजिए, एक आपके घर से छोटी कटोरी ले लीजिए, एक गिलास ले लीजिए और एक प्लेट ले लीजिए। इस प्रकार आपके पास पंचपात्र हो गए। ये पांचों अलग अलग होते हैं। यदि दो कलश ना हो तांबे का और स्टील का, तो जो कलश हो आपके पास या तो स्टील का हो या तांबे का, वो एक ले लीजिए और एक मिट्टी का कलश ले लीजिए। इस प्रकार आपके पास ये पंचपात्र हो गए। इन पांचों में जल भरना है आपको, घर से ही जल भरकर लेके जाइए। यदि घर से जल भरकर लेकर नहीं जा सकते, तो एक पात्र में जो डोली होती है उसके अंदर आप पात्र में भर लीजिए, या किसी ऐसे पात्र में जल भर लीजिए ताकि आप शिव मंदिर में जाकर इन पांचों में जल डाल सकें। शिव मंदिर में जाकर आपको इन पांचों में जल डालना है। तो ये हो गए पंचपात्र। अब आपको लेने हैं पांच बेलपत्र, पांच पुष्प और पांच दुर्वा। पांच दुर्वा, दुर्वा या दुवा, दुर्वा या दुवा क्या होती है अभी आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये जो हरी कलर की घास होती है जिसे घास कहा जाता है, कहीं पर दुर्वा बोला जाता है, कहीं पर दुबा बोला जाता है, तो इसे ही दुर्वा या दुबा कहते हैं। ये आपको एक एक सिंगल सिंगल तोड़नी है, सिंगल सिंगल तोड़कर पांच लेनी है ये दुर्वा या दुबा। साथ में हो गए पांच पुष्प जो कि एक ही तरह के हो, पांच बेलपत्र और पंच पात्र जल। अब ये सब आपको शिव मंदिर में लेके जाना है सोमवार के दिन। सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है, सात सोमवार लगातार ये उपाय करना है। सोमवार के दिन आपको लेके जाना है पंचपात्र, पांच दुर्वा या दुबा, पांच बेलपत्र और पांच पुष्प। पांच पुष्प एक जैसे हो, अगले सोमवार को ना भी मिले तो भी जो आप पांच पुष्प ले रहे हैं वो एक जैसे ही होने चाहिए। अब शिव मंदिर में जाकर एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक पुष्प भगवान शंकर को समर्पित कीजिए। पहले समर्पित करते समय तुम रुका जी, वही तुम रुका जी जिनका उपाय है सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला, उन तुम रुका जी का नाम लेकर एक बेलपत्र, एक दुर्वा और एक पुष्प समर्पित कीजिए। उसके बाद में जो पांच पात्र है, उस पांच पात्र में से एक पात्र का जल धीरे धीरे समर्पित कीजिए। उसमें भी आपको तुम रुका जी का नाम स्मरण करना है। इस जब ये एक 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 वस्तु आप समर्पित कर दें, एक पात्र का जल भी समर्पित कर दें, थोड़ा रुक जाइए, फिर आपको षडाक्षर मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहिम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुक्मेव वंदना मृत्योर मोक्षे मांग्रता, ये बोलना है। एक बार, दो बार, तीन बार, थोड़ी देर जितनी देर आप रुके रहें उतनी देर आप बोल लीजिए। जैसा कोई विशेष नहीं है कि 11 बार बोलना है, 21 बार बोलना है, 108 बार बोलना है बस। फिर उठाइए दूसरा बेलपत्र तुम रुका जी का नाम लेकर, दूसरा पुष्प और दूसरी दुर्वा तुम रुका जी का नाम लेकर, दूसरे पात्र का जल उठाइए, फिर समर्पित कर दीजिए। और ये सब आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ना गणेश जी के स्थान पर, ना नंदी जी के स्थान पर, ना माता पार्वती के स्थान पर, शिवलिंग पर सारी वस्तुएँ समर्पित करनी है। अब दूसरे पात्र का जल उठाइए, वही तुम रुका जी का नाम लीजिए, उसके बाद फिर रुक जाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र, फिर बोलिए, फिर तीसरा बेलपत्र, तीसरी दुर्वा, तीसरा पुष्प समर्पित कीजिए और तीसरे पात्र का जल। ये समर्पित करते समय फिर तुम रुका जी का नाम लीजिए, उसके बाद में फिर रुक जाइए, फिर चौथा बेलपत्र, चौथा पुष्प और चौथी दुर्वा समर्पित कीजिए, चौथे पात्र का जल समर्पित कीजिए। ये समर्पित करते समय फिर तुम रुका जी का नाम लीजिए और उसके बाद में पांचवा बेलपत्र, पंच पात्र का, पांचवे पात्र का जल, पांचवा पुष्प समर्पित कीजिए तुम रुका जी का नाम लेकर, और फिर ये उपाय संपन्न हो जाएगा आपका। सात सोमवार लगातार आपको ये उपाय करना है। भोलेनाथ और तुम रुका जी अवश्य ही आपको संतान का सुख जरूर देंगे। अब जो पशुपति व्रत कर रहे हैं
वो ये तुम रुका जी वाला उपाय ना करें, क्योंकि आप ऑलरेडी एक उपाय कर रहे हो, पहले से ही एक उपाय कर रहे हो, तो ये वाला उपाय ना करें। पशुपति व्रत में आप तो सफेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय अवश्य कर सकते हैं, लेकिन जब आप पशुपति व्रत कर रहे हैं तो ये पंचपात्र वाला उपाय ना करें, और पशुपति व्रत ना कर रहे हैं तो आप पंचपात्र वाला उपाय अवश्य करें। सावन के 7 सोमवार अभी भी बाकी हैं, क्योंकि 10 जुलाई सावन के सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, उस दिन से आप ये उपाय शुरू कर सकते हैं। यदि उस दिन आप सोमवार की अष्टमी का कोई उपाय कर रहे हैं तो अगले सोमवार से इस उपाय को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस सावन में कुल 8 सोमवार है, अभी पहला ही सोमवार नहीं आया है। पहला सोमवार जाने के बाद भी 7 सोमवार शेष रहेंगे, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। सावन के ये वो उपाय हैं जो संतान की प्राप्ति के लिए है। एक बार फिर से बोल देता हूँ कि ये जो उपाय आप करेंगे सारे एक साथ मत करना, जो आपको सही लगे वो उपाय आप कर लेना। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।